टेक्नोलॉजी सिटी में आपका स्वागत है एंड आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सरफेस इरेगुलरिटीज। ये जो है वो मैकेनिकल मेजरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम डायरेक्टली कौन कौन से टाइप की सरफेस इरेगुलरिटीज आती है। सो फर्स्ट इरेगुलरिटी इज द फर्स्ट ऑर्डर इरेगुलरिटी जो सबसे पहली है, सेकेंड ऑर्डर इरेगुलरिटी सेकेंड, थर्ड ऑर्डर इरेगुलरिटी दैट इज थर्ड एंड फोर्थ ऑर्डर इरेगुलरिटीज। सो बेसिकली ये चार टाइप की सरफेस इरेगुलरिटीज आती है। फर्स्ट ऑर्डर इरेगुलरिटी आप यहाँ पे फिगर में भी देख सकते हो फर्स्ट ऑर्डर इरेगुलरिटीज में क्या आता है। सो फर्स्ट ऑर्डर इरेगुलरिटीज दिस काइंड ऑफ इरेगुलरिटीज जनरेटेड बिकॉज ऑफ द एरर इन मशीन इटसेल्फ। जब मशीन में खुद में ही कोई कंपोनेंट में या फिर कोई गाइडवेज में ऐसी कुछ एरर है तो जो वर्कपीस बनेगा वो मशीन पे वो भी एरर वाला बनेगा। तो ये जो एरर इरेगुलरिटीज जनरेट होती है बिकॉज ऑफ मशीन इटसेल्फ, जो भी मीन्स डिफेक्ट्स है मशीन में उसके कारण, तो ये जो आती है वो कैटेगराइज है फर्स्ट ऑर्डर इरेगुलरिटी में। ओके एंड फॉर एग्जांपल कि मशीन में देर आर द क्यूज्ड बाय द लैक ऑफ स्ट्रेटनेस ऑफ द गाइडवेज। गाइडवेज में कोई प्रॉब्लम है तो मशीन में जो भी टूल है वो मूवमेंट करेगा जब उसके ऊपर कैरेज के ऊपर, तो उसमें भी ऑलमोस्ट जो भी मूवमेंट आएगी वो डिफेक्ट्स वाली आएगी और जो वर्कपीस बनेगा वो भी डिफेक्टेड बनेगा। तो ये कैटेगरी है फर्स्ट ऑर्डर इरेगुलरिटी। सेकेंड वन दैट इज सेकेंड ऑर्डर सरफेस इरेगुलरिटी। इन दिस सेकेंड ऑर्डर दिस काइंड ऑफ इरेगुलरिटी जनरेटेड बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन इन मशीन टूल। जब मशीन टूल में वाइब्रेशन होगा और उसके कारण जो इरेगुलरिटीज बनेगी वो है सेकेंड ऑर्डर इरेगुलरिटी। फॉर एग्जाम्पल कि कोई जो है मशीन उसका नट बोल्ट से वो लूज हो गया है या फिर फाउंडेशन जो है वो लूज हो गया है, तो ऐसी जो इरेगुलरिटी बनेगी वो मशीन्स पे वो है सेकेंड ऑर्डर इरेगुलरिटी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि चार मोटर लगाई गई है, चार पंप लगाए गए हैं और ये वाला जो पंप मोटर का कॉम्बिनेशन है जो कि वाइब्रेट कर रहा है, मीन्स जो भी आउटपुट मिलेगा ये मशीन से वो कुछ इरेगुलरिटी वाला मिलेगा, मीन्स सम डिफेक्ट्स जनरेटेड होगी इसके थ्रू। ये जो है वो एक्चुअली सूटेबल एग्जाम्पल नहीं है, हम यहाँ पे मशीनिंग का एग्जाम्पल ले दैट इज मोर बेटर। ओके सो यहाँ पे जस्ट दिखाया गया है कि वाइब्रेशन हो रहा है तो दैट इज सेकेंड ऑर्डर इरेगुलरिटी। थर्ड वन थर्ड ऑर्डर सरफेस इरेगुलरिटीज। सो इन थर्ड ऑर्डर दिस काइंड ऑफ इरेगुलरिटीज जनरेटेड बिकॉज ऑफ एरर इन मशीनिंग। जब कोई आदमी मशीनिंग कर रहा है कोई मशीन्स पे और जो इरेगुलरिटीज जनरेट होती है बिकॉज ऑफ ह्यूमन एरर, तो ये जो इरेगुलरिटी होगी वो थर्ड ऑर्डर इरेगुलरिटी होगी। जैसे कि एग्जाम्पल में नॉट गिवन प्रॉपरली स्पीड फीड एंड डेप्थ ऑफ कट। अगर कोई आदमी मशीनिंग कर रहा है और प्रॉपरली स्पीड नहीं दे रहा है, फीड नहीं दे रहा है, डेप्थ ऑफ कट प्रॉपरली नहीं दे रहा है इसमें, जैसे कि लेथ मशीन पे यहाँ पे दिखाया गया है, तो टूल को प्रॉपरली मूवमेंट ना देने पर, सडन जर्क देने पर, स्पीड फीड एंड डेप्थ ऑफ कट में सडनली जर्क देने पर जो वर्कपीस है उसका जो भी फिनिशिंग होगा वो अच्छा नहीं मिलेगा और जो वर्कपीस के सरफेस पे इरेगुलरिटीज जनरेट होगी, ओके दैट इज सेकेंड थर्ड ऑर्डर इरेगुलरिटीज। ओके सो प्रॉपरली स्पीड फीड एंड डेप्थ ऑफ कट देनी जरूरी है। एंड फोर्थ दैट इज फोर्थ ऑर्डर सरफेस इरेगुलरिटीज। इन फोर्थ ऑर्डर सरफेस इरेगुलरिटीज क्या होगा कि ये जो इरेगुलरिटी है वो जनरेट होगी बिकॉज ऑफ रप्चर ऑफ द चिप्स। रप्चर यानी कि क्या कि चिप्स का टूट जाना और टूट के अगेन वो जो हॉट चिप्स है वो अगेन सरफेस पे चिपक सकती है और जो फिनिश्ड सरफेस है उसको भी डैमेज कर सकती है। सो रिमूव्ड चिप कैन मेक अ कॉन्टैक्ट विद मशीन सरफेस एंड डैमेज फिनिशिंग सरफेस फिनिशिंग और एल्स मार्क्स कैन बी जनरेटेड ऑन द मशीनिंग सरफेस। सो जो भी निकली हुई चिप्स है वो टूल एंड वर्कपीस के बीच में अगेन फंस सकती है या तो फिर जो हॉट चिप्स है वो मशीन सरफेस पे लग सकती है और उसके ऊपर मार्क्स जनरेट कर सकती है या फिर उसका सरफेस फिनिश बिगाड़ सकती है। तो ये जो इरेगुलरिटीज है वो फोर्थ ऑर्डर इरेगुलरिटीज है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो चिप्स है उसका यहाँ पे फ्रैक्चर हो चुका है, यहाँ पे रप्चर हो चुका है ये वाले सेंटर वाले पोर्शन में और वो सरफेस है वो ऊपरी सरफेस को डैमेज कर सकती है। सो बेसिकली ये चार टाइप की इरेगुलरिटीज है सरफेस फिनिशिंग में, सरफेस रफनेस में। ओके सो सरफेस इरेगुलरिटीज फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये चार टाइप की इरेगुलरिटीज है। सो आज के लिए बस इतना ही सरफेस इरेगुलरिटीज। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग एंड गेटिंग द नॉलेज। प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल
hit the bell icon for more updated, more knowledgeable videos and improve your practical knowledge as well as fundamental concepts. All the best for your upcoming examination. Thank you. God bless you. Take care.